सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ, मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसने इन दो पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हुए अपनी सारी ताकत सिविल सर्वेंट बनने में झोंक दी। आइए आज हम मिलते हैं श्री देवाशीष उपाध्याय जी से, जो कि अभित अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं और अति सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। आपने केमिस्ट्री में एमएससी किया और उसी से गेट क्वालिफाई किया। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहने के बावजूद भी आपने एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट क्वालिफाई किया, एमफिल किया। इतना सब करने के बाद आपके मन में 27 साल की उम्र में एक संकल्प आया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है और अपनी सारी ताकत झोंक दी। आपने 3 बार यूपीएससी का मेंस लिखा और 1 बार इंटरव्यू दिया। इसके अतिरिक्त पीसीएस में आपने लगातार 5 बार मेंस लिखा और 2013 में आप अभित अधिकारी के पद पर चयनित हुए। आइए स्वागत करते हैं श्री देवाशीष उपाध्याय जी, डीओ। नमस्कार। देवाशीष जी, आप बहुत सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है, तो आपके मन में ये सिविल सर्वेंट बनने का ख्वाब क्या पहले से आया? क्या आपको ये भरोसा हुआ कि मैं सिविल सर्वेंट बन पाऊंगा? कुछ बताइए। नहीं, हम तो ग्रामीण परिवार से रहे हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़े, फिर सरकारी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में पढ़ते रहे, और ऐसे स्कूल आपको देश में हजारों लाखों होंगे जहाँ पे सिर्फ डिग्री मिलती है आपके स्कूल में, उनको कोई मतलब ना टीचर पढ़ाने वाला ना तो स्टूडेंट पढ़ने वाला, बस फॉर्मेलिटी चल रही है। आपको लाखों स्कूल लाखों विद्यार्थी इसी तरह ग्रामीण परिवेश में पढ़ रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि करना क्या है। तो बस हम भी पढ़ते रहे, गाँव में पढ़ते रहे कि करना क्या, कोई उस तरह का कोई विचार नहीं था, बस पढ़ते थे। बस ये था कि कोई नौकरी मिल जाए, हर लड़का यही चाहता कि मुझे कोई नौकरी सरकारी मिल जाए, उसी की तरह प्रयास करता रहता है। कभी मतलब मैं एसएससी का परीक्षा देता था, कभी रेलवे का, कभी बैंकिंग का, मतलब गए फार्म खरीदे, फार्म भरे, ये भी नहीं पता होता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी समस्या कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। कंपटीशन की तैयारी में आपको ये जरूरी चीज़ है कि आपको पढ़ना क्या है, या एकदम डाइवर्जन टाइप में कभी एसएससी का फार्म आ गया तो एसएससी फार्म भर दिए, समूगा का आ गया तो समूगा का भर दिए, बस दुकान पे गए फार्म भरे और उसके पास जो किताब मिली उसको खरीदे, आधी दिया पढ़े, फिर उसके बाद फिर मतलब कोई भी इस तरह का सिस्टमेटिक तैयारी नहीं होती थी। तो उसी में दौरान में ये भी होता था डिग्री ले लो, डिग्री लेके करो क्या ये भी नहीं पता होता था कि करना क्या उस डिग्री का, बस लेते रहो, क्या होगा कुछ कोई बताने वाला नहीं। ग्रामीण परिवेश में आप देखते होंगे कोई किसी को मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि करना क्या है तुम्हें जिंदगी में, कुछ भी पता नहीं। तो इसी दौरान मेरे 27 साल हो गया था, कोई नौकरी कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कभी इंटरव्यू देते थे, टीजीटी की तैयारी कभी कर ले, कभी पीजीटी का फॉर्म आ गया, मतलब भाई सिस्टम पता था एक ट्रैक में मैं जा रहा हूँ, 10 दिन बाद दूसरे ट्रैक पे चला गया, उससे क्या होता था कुछ भी नहीं कर पाया आदमी। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई, दिल्ली में था, तो उसने कहा कि आ जाओ तुम यहाँ तैयारी कर लो थोड़ा, चूंकि उसको मेरे बारे में पता था, वो दिल्ली में तैयारी करता था, तो उसी के बुलाने में मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पर पहली बार मैं 2007 अक्टूबर में गया था, तो उस टाइम पे मेरी उम्र भी हो गई थी, मुझे मतलब तो मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस का भी फॉर्म भी नहीं भरा था 27 साल तक। बहुत सारे ऐसे गांव में लड़के हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, भरते भी नहीं है, वो सोचते आईएएस बहुत बड़ी चीज़ है, पीसीएस बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी नौकरी कहीं सिपाही की नौकरी, मैं तो फौज की नौकरी में भी गया हूँ, तो दौड़ लगाता था जब तक उम्र थी, फौज की नौकरी भी दौड़ लगाया, उसमें भी नहीं हुआ। तो मुझसे उसने कहा कि तुम सिविल की तैयारी करो, मैं सिविल की तैयारी करता हूँ। मैंने कहा यार सिविल में जो सिपाही में नहीं हो पा रहा है, चपरासी में नहीं हो पा रहा है, क्लर्क में नहीं हो रहा, तुम सिविल की बात कर रहे हो। तो उसे कहा करके देख लो, मुझे भी लगा हाँ ट्राई करने में क्या जा रहा है, जब ट्राई कर रहे हैं तो जिंदगी ट्रायल गेम बना दी है जिंदगी को, तो हो सकता है क्या करना। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया,
2007 में अक्टूबर में ना मेरे पास कोई ऑप्शनल के सब्जेक्ट को सोचा था कुछ भी नहीं, तो उससे पूछना है शुरू किया क्या करा जाए कैसे करा जाए, तो अक्टूबर में गया था। उसके बाद जनवरी में फॉर्म आ गए 2008 आईएएस की यूपीएससी के, मैंने फॉर्म भरा। तो उस टाइम पे अभी तो नहीं, उस टाइम पे जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे हुआ करते थे, तो मैंने उसी में जल्दीबाजी में मैंने क्या क्या चूज करा। तो कुछ लोगों ने बताया पब्लिक एड जल्दी तैयार हो सकता है, मैंने पब्लिक एड पेपर पब्लिक एड लिया और टीएमएच की किताब पढ़ना शुरू किया। लोग टीएमएच बताए, लक्ष्मीकांत का टीएमएच आती है बहुत बढ़िया आती है, उसी को पढ़ो जीएस के लिए। अब उसी में माथा पच्ची, लेकिन चूंकि मेरे अंदर ये था कि मैं कोई भी काम करता हूँ झूम से करता हूँ, मेहनत पूरी ताकत झोंक देता हूँ, और मैंने पूरी ताकत झोंक दिया। पीटी मेरा निकला, मैं मेंस दिया, लेकिन मेंस में नहीं सफलता मिली, क्योंकि फिर मैं मेंस के लिए भी सब्जेक्ट मेरा कोई तैयार नहीं था। मैंने फिलासफी की तैयारी किया, फिलासफी रखा मेंस में, उसी तरह जल्दीबाजी में सोचते होते, फिर फिलासफी रखा मैंने मेंस में तो नहीं हो पाया। फिर 2009 में मैं, तब तक मेरा ये बैकग्राउंड हो गया, फिर कोचिंग वगैरह भी मैंने ज्वाइन की, तो उसके बाद पब्लिक एड फिलासफी कोचिंग बढ़िया से किया। तो फिर 2009 में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो उस टाइम पे होता ना कि जो जुनून होता है कि मतलब नहीं हो ही जाएगा, तो उस टाइम मुझे नहीं सिलेक्शन मेरा हो जाएगा 2009 में, मुझे ये था फाइनल फाइनल। अब उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को जाता है, उस कॉन्फिडेंस के नाते फिर 2009 में मुझे संयोग से नहीं सफलता मिली, उस बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर 2010 में चूंकि तैयारी थी तो पीटी तो निकल गया, लेकिन चूंकि वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के दौर से मैं गुजर रहा था उस टाइम पे कि अब तो कुछ नहीं है, ख़त्म बस ये इसके बाद तो ख़त्म, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। मेंस दिया, उतना अच्छा मेंस भी नहीं हुआ, तो उसलिए 2010 में ख़त्म, मतलब 2010 में मेंस दिया लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद और मैं डिप्रेशन में, धीरे धीरे डिप्रेशन में चलना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी तैयारियाँ गड़बड़ सड़बड़ होने लगी। फिर अब क्या करें, अब तो कुछ ना कुछ करना ही, क्योंकि घर से भी प्रेशर होने थे कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको कुछ ना कुछ कर ही लेना है, उतना सपोर्ट भी नहीं था। फिर 2011 मार्च में मैं दिल्ली से इलाहाबाद आ गया, लेकिन उस दौरान मेरी तैयारियाँ बहुत गड़बड़ सर, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होती, और जोश भी जो था वो जोश खत्म हो चुका था। और उसके बाद फिर एक साल, मतलब चूंकि तैयारी हो गई थी तो प्री निकल जाता था, लेकिन मेंस में नहीं निकल पाता था। 2010 का मैंने मेंस दिया, नहीं हुआ। 11 का भी दिया, नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा एक उसी दौरान फिर शादी वगैरह हुई, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा एक दो साल में डिप्रेशन से निकलना कोशिश किया मैंने। फिर 2012 में मेरा मेंस बहुत अच्छा हो गया था, तो 2012 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो लेकिन नहीं हुआ। फिर 2013 मुझे फाइनल सिलेक्शन मिल गया। देखो शिव जी, सच कहूँ तो आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही तैयारी करते हैं, कभी कोई फार्म भर दिया, कभी कोई फार्म भर दिया। आज जब आप एक सफल कैंडिडेट हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, जो कुछ लोगों के परिवार तो ऐसा जो कि उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको ये करना है, उसके लिए वो प्रॉपर वे में तैयारी करा रहे हैं। मैं जब दिल्ली पहुंचा था तो देखता था बीए के लड़के जो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए, उनके भी पेरेंट्स उनको भेज दिए दिल्ली में तैयारी करना है, तुम्हें आईएएस बनना है। मतलब वो इंटर से ही लड़का प्रिपेयर्ड हो चुका है। और लाखों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ग्रामीण में हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, बस वो भाग रहे हैं। उनको कुछ, बस मेरा एक उद्देश्य है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था मैं आईएएस बन जाऊँ या आईपीएस बन जाऊँ, पीएस बन जाऊँ। वो धीरे धीरे चूंकि नहीं मिलते गए, अगर शायद मुझे, अब तो मैं भगवान को शुक्रगुजार भी करता हूँ, पहले तो मैं कहता था कि नहीं हुआ, भगवान को भी उज्जवल बोलता था, अब तो कहता हूँ नहीं हुआ अच्छी चीज़ है, पता लगा सिपाही की नौकरी हो जाती तो मैं सिपाही में आज रहता, या यहाँ पे नहीं पहुँचता, या कहीं क्लर्क हो जाता तो क्लर्क में ही होता, बिल्कुल, या टीचर हो जाता। मैं टीचर का भी टीजीटी पीएचडी का भी इंटरव्यू दिया, डिग्री कॉलेज के लिए टीचर का दिया इंटरव्यू दिया, तो पता चला वहीं पे मेरी दुनिया वहीं सिमट जाती। फिर आगे के लिए मैं नहीं सोच पाता, क्योंकि मेरी सोच बस यही थी कि नौकरी मिलना, नहीं मिलती गई, नहीं मिली। इस तरह लड़के लाखों लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता अपनी क्षमताओं का। होता क्या है कि हमें अपनी क्षमताओं को खुद नहीं पता कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान ने सबके अंदर इतनी क्षमताएं दी है, कुछ भी कर सकता है, मुझे जो लगता है, बस वो उसकी क्षमताएं देखना है, उस अपनी जो मानसिक स्थितियां बनी हुई उस मानसिक स्थिति के दौर से उसको निकलना है कि हम उस बंधन से बाहर निकले। जैसे एक लोग कहावत कहते हैं कि हाथी का बच्चा जो होता है उसको जंजीर से, पहले जंजीर से बांध देते हैं, फिर बाद में जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, तो उस हाथी को ये पता भ्रम हो जाता है कि मैं रस्सी को तोड़ नहीं तोड़ सकता हूँ, कभी नहीं तोड़ सकता हूँ, वो रस्सी से बांधा पड़ा रह जाता है। दूसरी तरह हम भी एक मानसिक बंधन में पड़े कि हम बस यहीं तक हमारी दुनिया है, जबकि हम चाहें तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं को आकलन करना है,
कि हम क्या करना है, एक एक सही डायरेक्शन। जैसे मुझे एसएससी की तैयारी करनी, मान लीजिए मैं भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं, मुझे संसाधन है, मुझे एसएससी की तैयारी करनी, तो एसएससी की ही तैयारी करनी है सिर्फ, उसी में ड्यूटर रहे अगर 2-4 साल ड्यूटर रहे आप, बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिले गारंटी 100%। लेकिन आप पता चला कि कभी एसएससी भर रहे हैं, कभी टीजीटी भर रहे हैं, कभी पीजीटी भर रहे हैं, स्थिति हो गई पता हमको स्टेशन पे पहुंच गए, हमें यही नहीं पता कि ज्यादा कौन सी ट्रेन पकड़ना है, तो आप जाएंगे कहाँ। हम ट्रेन पता लगा कि कोई दिल्ली की ट्रेन है, मुंबई की ट्रेन है, हम टिकट लाइन पहुंचे कि हमको टिकट मिल जाए, बस ये उद्देश्य बना है कि हमको ट्रेन पे चढ़ना है, तो वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन हमको कोई मंजिल अपने तय करे कि हमें ये मंजिल है, इस मंजिल पे जाना है, किसी भी कीमत पे जाना है, ये पहले तय कर ले। उसके बाद आप ये देखिए कि उस मंजिल पे जाने तक क्या क्या संसाधन आपको यूज करने हैं, कितनी तैयारी की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको प्रयास करने हैं। फिर उसका सिलेबस देखिए आप, फिर उसको किताबें देखिए, ढूंढिए, चेक करें। कुछ लोग तो अभी मैं इलाहाबाद में रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आपको सही गाइडेंस भी नहीं करते हैं। हकीकत ये है कि आपको लोग गलत दिशा में घुमाएंगे कि ऐसा है वो है, आपको कई बार लोग ये बताएंगे कि आप बड़े बहुत टफ चीज है, मतलब आपको हवा खड़ा कर देंगे, आपको लगेगा हाँ यार टफ। इलाहाबाद ही नहीं तो सब तरफ है, हर जगह है, हर जगह कि आपको ये बता दिया जाए कि बहुत टफ है, ये है, तुम पीसेस बनोगे, आईएएस बनना इतना टफ है कि इसका कोई हद नहीं, डर बिठा देंगे एकदम, डर बिठा देंगे, आप कुछ उसके बारे में सोच भी नहीं सकते और प्रयास भी कर रहे हैं तो कुछ उसका निष्कर्ष आपको नहीं निकलना। तो ये चीजें आपने दिमाग से निकाली, अगर ये सोच लिया अगर कोई भी आदमी, मैं बन सकता हूँ, आप बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल, हमारे आप में कोई ऐसा नहीं कि हमको आपको चार हाथ पैर दिया है भगवान ने या इस तरह। अगर मैं, मुझे लगता है अगर मैं पहले मुझे गाइडेंस मिला होता, सही गाइडेंस मिला, शायद आईएएस होता। बिल्कुल, लेकिन हम चूंकि नहीं मिला, कुछ चीजें अपनी किस्मत भी होती है, संजोग भी होती है, लेकिन कुछ हमारी भी गलती थी कि हमने अपनी क्षमताओं को नहीं आकलन किया और उस दिशा में प्रयास हम लेट शुरू किए। पहले शुरू करते मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं एक बार ब्रेक करके दोबारा देता, लेकिन चूंकि मैं यूपीएससी में मुझे 4 अटेम्प्ट मैंने दिया एग्जाम, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं थे कि हम ब्रेक करें, टाइम दें। 2010 में लास्ट अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। तो अब ये दूसरी चीज़ क्या कि हम एक चीज़ और, ये मुझे जो महसूस हुआ, जो मेरा मानना है कि लगता है कि मेरी 1,00,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम, मेरा 1,00,000 परीक्षार्थी नहीं, मेरा खुद से मेरा कंपटीशन है। हम अगर अपने पे कंट्रोल करें और आप किसी भी स्टूडेंट का ये ना सोचे कि उसका 1,00,000 से कंपटीशन है, उसका कंपटीशन उसके से खुद से है। वो अगर जैसे मैं डिप्रेशन में जब गया, अगर मैं डिप्रेशन में गया तो 10 मिनट मुझे सिलेक्शन मिलता। कभी कभी होता क्या कि हम अपेक्षाएं बहुत ज्यादा पाल लेते हैं, ये हो जाएगा तो 100% हो गया, लेकिन पता लगा कि वो अपेक्षाएं मुझे नहीं मिली, बाई चांस नहीं मिली, हो सकता है उस लायक ना रहा, तो हम फिर उसके बाद तो गिरते हैं, तो हमको लगता है संभाल नहीं पाते। असफलता आपको मिलेगी जीवन में, लेकिन आप इतनी अपने अंदर कैपेसिटी बनाइए उस असफलताओं को सहन करने की क्षमता हो और फिर उठ के दोबारा सफलता की ओर आप प्रयास करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप पता चला सफलता मिली, आप कहे अब तो खत्म, तो फिर आपका सब खत्म, सचमुच खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मेंटली रूप से, अपने स्तर से मेंटली रूप से अगर स्ट्रांग है, आप उस दिशा में खुद ब खुद कदम बढ़ा रहे हैं, नहीं मुझे मिली कोई दिक्कत नहीं, लाखों लोग इंटरव्यू दिए हैं, लाखों लोग प्री दिए हैं, नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कि हम अगला चांस भी हमारे पास नहीं है, और अगला चांस हमारे पास, हमको पीसीएस नहीं तो आपको अनलिमिटेड चांस दिए हैं, और यूपीएससी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम उससे अच्छा अपने यूपीएससी में यूपीपीसीएस में भी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या, अरे यूपीएससी नहीं हुआ तो खत्म, ये नहीं कभी जम रहा। हम हो सकता है आईएएस भी ना बने, पीसीएस भी ना बने, हम कोई दूसरे क्षेत्र में ऐसा काम कर दें कि हम उससे ज्यादा बेटर कर लें। तो ऐसा कभी अपने दिमाग में आप निराश ना हो, प्रयास करते रहे, अनवरत प्रयास, रेगुलर बेस पे, कभी भी ये नहीं हमें कि नहीं करना है, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी, आगे बढ़ते जाना है, एक एक कदम, छोटा छोटा कदम बढ़ाइए और आपको सफलता मिलेगी। और मतलब ऐसी सफलता जिसकी आप बारे में आप इमेजिन भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अच्छी बात है नहीं मिली, हमें इससे अच्छा कोई जाना है। आपने अभी कहा कि यदि मैं सिपाही बन जाता तो शायद सिपाही रहता, तो सिपाही रहता, उस वक्त नहीं मिला तो अच्छा हुआ, उस वक्त नहीं मिला बिल्कुल, अब तो कहता हूँ, लेकिन उस वक्त तो नहीं कहता था, उस वक्त तो ये कहता था कि अरे नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया, टीजीटी का दिया, नहीं हुआ, पीजीटी का दिया, नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो अच्छी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़ी दुनिया है, खुला जहाँ है, हम कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयास करें, हमें उसका कुछ तो अनुभव मिला, नहीं हुआ उसी दौरान मैं नेट वगैरह पास करता रहा, डिग्रियां लेते रहा, ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि डिग्रियां ले, मैं ये तो नहीं कहूँगा, डिग्रियां बहुत ज्यादा बटोर लेने के बाद भी आदमी को भी उसके बाद डाइवर्जन बहुत ज्यादा होता है, मैं सलाह नहीं दूंगा कि लोग डिग्रियां बटोर लें, मैं इस तरह, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं कि अपना ध्यान बनाए रखें और प्रयास करते रहें, कभी भी ये नहीं कि निराश हो जाए, हम कुछ प्रयास करना बंद कर दें, प्रयास करना कभी नहीं बंद करना चाहिए,
कहीं ना कहीं प्रयास करते रहे। ठीक है, आप भी डिप्रेशन में आ गए थे लेकिन उसके बावजूद भी आपने प्रयास बंद नहीं किया। हाँ, डिप्रेशन में आया, जेन्युइन चीज है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है लोगों को, और उसमें थोड़ी रूटीन गड़बड़ हुई, पढ़ाई गड़बड़ हुई, एक एक दो दो महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ा मैं। अब मुझे पछतावा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी उधर ध्यान दिया होता तो अच्छी जगह पहुँचता, या थोड़ा सा मतलब अपने आप को संभाल पाता, तो मैं कह रहा हूँ लोगों को, लेकिन हो नहीं पाता है, जेन्युइन चीज है मानसिक रूप से, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन ये है कि अपने दिल पे पत्थर रख के चाहे जैसे भी, ये कहना है भैया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रयास करना है डेली, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर प्रयास छोड़ देंगे फिर कुछ भी नहीं, तब तो फिर आप खत्म। लेकिन अगर प्रयास करते रहेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, तो मिलेगी। मैं भी जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, ज्यादातर को मैं देखता हूँ कि शुरू में जो उनका जोश रहता है वो एकदम तूफानी जोश है ना, उसके बाद जैसे 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 करके वो आगे बढ़ते हैं, और जहाँ उनको दो चार असफलताएँ मिली वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, अब चूँकि आप भी उस दौर से बाहर निकल के आ चुके हैं, तो आप उन्हें क्या ऐसा संदेश देंगे कि उनके मन की निराशा जो है वो एकदम खत्म हो जाए? ये जेन्युइन चीज़ है, असफलता मिलेगी आपको। अगर कोई बड़ी चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसमें लाखों लोग लगे हैं और आपसे लाखों लोग फाइट में ज़्यादा हैं। आप ये कभी ना सोचिए कि मैं पहले अटेम्प्ट मुझे सिलेक्शन मिल जाता बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप तैयारी पूरी इस तरह करिए कि मुझे छूट देना कि पहले अटेम्प्ट मुझे सिलेक्शन मिले एकदम। लेकिन यदि नहीं मिलता इत्तफाकन, बहुत सारे रीजन है, आपकी हो सकता तैयारी उस स्तर पर ना रही हो, आपसे बेटर लोग उस स्तर पर रहे हो, तो उनको सिलेक्शन मिलना वाजिब है। तो आप जो है हमेशा अपनी तैयारी में लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। अगर आप डिप्रेशन में आए और आपने तैयारी छोड़ दी, तो जो आपने पहली मेहनत की थी वो सब बेकार चली गई। बिल्कुल ठीक है। और आपको कोई दूसरा भैया, तो आप कोई दूसरा काम करने लगे, छोड़ दीजिए तैयारी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए उसमें लगे रहिए अनवरत। हो सकता है आपको ना पढ़ने मन के लगे, कुछ पन्ने पढ़ते रहते हैं, उसमें जब आप कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो फिर आपको एक दिन जोश आना शुरू हो जाएगा, एग्जाम आएंगे, फिर आप उसकी तरफ तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। और ये ऐसा एग्जाम है कि अगर जो भी लगा है, मेरे परिचित में आज तक जिसने भी हार नहीं मानी उसको सिलेक्शन मिला है, मैं ये गारंटी देता हूँ। ये तो मैंने भी देखा है, जिसने मैदान नहीं छोड़ा वो एक दिन, हाँ, देर है अंधेर नहीं है। इस एग्जाम में देर है कंडीशन के, अंधेर नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से उसी प्रति आप समर्पित होना चाहिए कि आपको समर्पण है, देर है आपको, लेकिन अंधेर नहीं, देर मिलेगी। देर का कारण भी है क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है, इतनी कंपटीशन है, और आपको भाई इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उस विभाग के पूर्व विलेज इंचार्ज हैं या एसडीएम बनाया जा रहा है, तो आपको क्यों किसी का हम कमजोर आदमी या जिसको नहीं अनुभव नहीं ज्ञान है उसको क्यों ले? बिल्कुल, तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या जो भी स्टेट पीसीएस है वो हमेशा योग्य लोगों को लेता है। तो आप अपने अंदर निखार लाइए, अपने भी का पत्थर को तोड़ने पे भगवान बनते हैं, उस तरह ही आप निखार लाते रहिए, एक ना एक दिन आपकी पूजा की जाएगी। मैं ज़्यादातर जो ग्रामीण अभ्यर्थी हैं, जब भी उनसे मिलता हूँ तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो बहुत ऊंचा ख्वाब देख ही नहीं पाते हैं। वो जैसे आपने कहा ना कि मुझे सिपाही बनना, तो उनमें यदि कभी बातें करो, कभी उनसे मिलो, तो वो लक्ष्य भी उनके छोटे ही होते हैं, है ना। उनको कभी लगता ही नहीं कि उनसे कभी कहो कि भाई, जबकि उनमें टैलेंट होता है ना, काबिलियत होती है, लेकिन कभी उनसे बातें करो तो वो ऊंचे ख्वाब ही नहीं देख पाते हैं। ये चूंकि वो एक मानसिक बंधन से बने हुए हैं ग्रामीण, छोटी छोटी चीजें उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके परिवार में कोई अधिकारी नहीं है, गांव में कोई अधिकारी नहीं है, उसके बारे में वो सोच नहीं पाते, उनकी भी गलती नहीं है। ठीक कह रहे हैं, उनको बस ये दिखाया गया सुबह गांव में लड़के हैं फौज के लिए दौड़ शुरू कर दिए। बिल्कुल, तो अब जो चीज हम देखेंगे वही हम सोचेंगे, वही ख्वाब पालेंगे, पता है दौड़ में शुरू कर दिए, हम भी दौड़ में जा रहे हैं। तो लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि हम उस दौड़ में जा सकते हैं, जिस दौड़ में जिले का सबसे बड़ा मुखिया जिसको डीएम कहते हैं वो बनने की क्षमताएं हैं गांव में, तो वो चीजें उनके यहाँ लाने की जरूरत है। बहुत सही, कि वो चीज उनके अंदर आए, वो जोश आए कि हम कर सकते हैं, और एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। उनको ये नहीं पता होता यूपीएससी क्या होता है, यूपीपीसीएस क्या होता है, और इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसमें पूछा क्या जाता है, और लोग ऊटपटान जनरल नॉलेज की क्वेश्चन बना देते हैं कि ये बताओ वो बताओ, जिसका कोई तुक भी नहीं है। अब जैसे टेलीविजन पे बहुत सारे शो आते हैं
जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनको लगता है ये जनरल नॉलेज, जबकि जनरल नॉलेज वो है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। बहुत सारे क्वेश्चन आप उस सीरियल देखेंगे, उसमें आपको ऐसा जनरल नॉलेज पूछा जाएगा जिस जनरल नॉलेज के कभी किसी एग्जाम से कोई वास्ता भी नहीं हो, आप सोच भी नहीं सकते, उनको लगे यही जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वो नहीं है, और लोगों को लगता है जनरल नॉलेज बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कुछ नहीं, उसका एकदम सिस्टमेटिक बनाया गया है। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज लोगों को लगता भाग। मैं तो कह रहा हूँ कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी अगर पढ़ ली जाए तो आपका जनरल नॉलेज 70% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। और आप थोड़ा सा पेपर पढ़ते रहें, थोड़ा सा मैगजीन कुछ पढ़ते रहे, तो आपका करंट भी तैयार हो जाएगा। और आपको सिलेक्शन के लिए 60% मार्क्स ही चाहिए। आईएएस के ऐसे क्वेश्चन जो अगर 150 क्वेश्चन है तो उसमें से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, ये तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, और लोग उसी क्वेश्चन को मार्केट में फैलाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आईएएस में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 25-30 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो गाँव का भी आदमी बता देगा कि क्या है। बिल्कुल ठीक है, जो कभी तैयारी नहीं किया, अगर वो न्यूज वगैरह पढ़ता है तब वो 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई बता, लेकिन उसको कोई नहीं मार्केट में बताएगा। बिल्कुल, ऐसे भी क्वेश्चन आईएएस में आते हैं और उनको वो बताया जाएगा कि 15-20 क्वेश्चन जो किसी को नहीं आते हैं, जिसका उस परीक्षा से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ कहने दिखाने के लिए क्वेश्चन पेपर में है। और 150 क्वेश्चन में मुझे जो लगता है कि 110 क्वेश्चन अगर जिसने भी कर लिए वो आराम से सफल हो जाएगा, प्री निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। तो लेकिन हम और वो 110 क्वेश्चन करना बहुत कठिन चीज नहीं है। यूपीटी के लिए आपका 20 क्वेश्चन हिस्ट्री आए, 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन आपने हिस्ट्री का कर लिया, हिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी पढ़ ली या कोई और सामान्य बुक्स जो भी आप मार्केट में चल रही है उसको आपने पढ़ लिया, तो आपका 25 में से 20 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री का है तो 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। उसी तरह जियोग्राफी में आपने अगर एनसीईआरटी से तैयार कर लिया कायदे से और कोई भी सामान्य बुक पढ़ ली, तो अगर 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 15 क्वेश्चन उसमें से भी आपके आ गए। और पॉलिटी तो मुझे लगता है सबसे आसान चीज है, आप संविधान में आप लोगों को बता देंगे डीडी बसु पढ़िए। अब जो बच्चा कभी संविधान नहीं पढ़ा डीडी बसु से कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ लिए, सिंपल बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में आप अगर पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत है, सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत है, सुभाष कश्यप भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुभाष कश्यप आपको बेस बता देगा लेकिन वो चीज एग्जाम में नहीं आ पाते। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। तो इस तरह आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 9 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह आप साइंस पढ़ लीजिए, साइंस का आप देख लीजिए, साइंस में लूसेंट ना पढ़ लीजिए, आराम से सिंपली आपको अगर 15-20 क्वेश्चन पूछे गए तो आप मतलब अगर 20 क्वेश्चन है साइंस के तो 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। साइंस तो ज्यादातर एनसीईआरटी कवर, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लूसेंट वगैरह पढ़ लीजिए, तो आप को मतलब इस तरह की चीजें हैं मार्केट में कि आपको और करंट के लिए आप मैगजीन पढ़ते रहे, पेपर पढ़ते रहे, कमी नहीं है। नहीं, आपको एक चीज और मैं बताऊंगा कि लोग भागते हैं, मतलब दुकान पे आई 10 मैगजीन लिए और पढ़े उसके एक एक पन्ने। बिल्कुल ठीक है, तो आप ऐसा भी ना करिए, जो किताब पढ़िए लीजिए उसी एक किताब को या 50 बार पढ़ डालिए। बिल्कुल, आप 50 किताब को एक बार पढ़ने से बढ़िया एक किताब को 50 बार पढ़िए। बिल्कुल ठीक है, आप ये बस ये पता कर लिए कौन सी किताब आज की डेट में आप मार्केट में जाएंगे तो हजारों लेखक है, सैकड़ों लेखक है, हर ने ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कोई लेखक खराब है, लेकिन सबकी अपना व्यू है, उसने किस व्यू से लिखा। तो एक ऐसा पॉपुलर बुक जो चल रही है कमीशन की, उसको आप लेके तैयारी करिए। आपके ऑप्शनल विषय क्या थे? हमारे पब्लिकेशन और फिलॉसफी थे। अच्छा, तो ये विषय आपके लेने का क्या कारण था? अब कारण कुछ नहीं, मैं तो बता सकता हूँ, मैं दिल्ली गया तो उस टाइम पे मेरा जो दोस्त था वो पब्लिकेशन लेके तैयारी कर रहा था तो मैंने उसी के लेके तैयारी किया। लेकिन मैं अब जो मुझे अब अनुभव हुआ कि आप हमेशा जो भी ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसमें दो चीजें आप देखिए, एक तो आप किसी के कहने पर ना लीजिए। बहुत सही, आपको थोड़ा सा आप सिलेबस देखिए, किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिलेबस देखिए, सिलेबस में आपको कुछ लगे इसमें मेरा इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, आपको लगे इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट वाले 5-6 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट किसी न किसी में आएगा, 4-5 सब्जेक्ट। अब उसमें ये पता करें किसमें स्कोरिंग है और किसमें सिलेबस कम है, किसमें हमारे पास स्टडी मटेरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे पब्लिक फिलॉसफी जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है, कोई भी ले कर रहा है। अब हिंदी भी अच्छी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, हिस्ट्री बहुत सारे लोग हिस्ट्री लेके बहुत स्ट्रीम में, ज्योग्राफी है, सोशल वर्क है, तो इस तरह आप डिफेंस भी है, तो अब आप इसमें से कुछ चूज कर लीजिए कि क्या है। लेकिन मैं जो कहूंगा, कई लोग सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं बार बार, तो आप सब्जेक्ट चेंज करने के बजाय एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रखिए। आपको वो सब्जेक्ट अगर स्कोरिंग कभी कभी स्कोरिंग नहीं, किसी किसी के साल होता है कि स्कोरिंग नहीं होता है, लेकिन स्कोरिंग अगर वो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है तो वो आपको सफलता दिलाएगा। जनरली क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में स्कोरिंग कम रह गया स्केलिंग की वजह से, किसी वजह से, तो बच्चे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सभी सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, यहाँ तक कि लोग सही कह रहे हैं, इंजीनियरिंग से भी सिलेक्शन पाते हैं, मेडिकल से भी सिलेक्शन पाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट से भी सिलेक्शन उनको मिला है, तो आप ये नहीं कह सकते। बस ये है कि मार्केट में अफवाह
अफवाहें कैसी फैलाई जा रही है। बिल्कुल, जैसे एक मार्केट पड़ेगी, मार्केट में अफवाहें फैला दी गई नहीं यार ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, बदलाव से करिएगा, संस्कृत बहुत बढ़िया है, और संस्कृत आपको आती नहीं है तो लेके करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक है, तो उसका मतलब क्या भाई? बहुत बढ़िया संस्कृत, संस्कृत से 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन हमको संस्कृत नहीं आती तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, तो हम ये चीज एक तरफ भाग रहे हैं, अंधी दौड़ नहीं है। हम देखिए क्या हमें मान लीजिए कोई कह दिया केमिस्ट्री से, क्या ऐसा है कि केमिस्ट्री से नहीं सिलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल, ये चीजें हैं कि केमिस्ट्री में स्टडी मटेरियल उस स्तर पर नहीं है, केमिस्ट्री में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां जो है वहां पे स्टडी मटेरियल है, गांव का लड़का केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो चीजें अब आपको हमको देखना होगा कि हम चूंकि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में बिलोंग कर रहे हैं, हमें कितने टाइम हमारे पास है तैयारी करने के, तो हम उस अनुसार अपना टाइम देखें, उसमें सब्जेक्ट सरल कौन है, आसान कौन है, हमारी एक्यूलेबल हो सकता है। बहुत लोग अपने जिस सब्जेक्ट से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया जाते हैं उसी में परेशान रहते हैं, कई बार हमको सब्जेक्ट छोड़ भी देना चाहिए, हम जब चूज करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा वो मतलब केवल जोर से काम नहीं चलेगा, आपको जो है सब चीजों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये सब आपको परीक्षा जो है बैलेंस पूरी बनानी पड़ेगी, हर चीज से आपको संघर्षों से लड़ना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देवाश्री जी, जो सिविल सर्विस की जो प्री परीक्षा है उसका जो GS का सिलेबस है, वो आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? प्री परीक्षा में आपका देखिए GS का हो गया सामान्य अध्ययन और एक CSET हो गया, तो आप बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं बहुत टफ चीज है GS पढ़ना, आपको अभी मैंने बताया कि मार्केट में लोग बहुत तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो वो GS का सिलेबस देख लें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो असंभव चीज है, उसमें हिस्ट्री है आपका, वो भी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात होती है, एंशिएंट और मेडिवल बहुत ही कम होते हैं, अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं तो मैं बिल्कुल यही सलाह दूंगा वो बिल्कुल छोड़ दें एंशिएंट और मेडिवल, मैंने वैसे किया, एंशिएंट मेडिवल से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आप छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं आपको, मॉडर्न पे लेकिन आपका कमांड होना चाहिए कि अगर उसमें से 15 क्वेश्चन मॉडर्न की पूछेगा तो हमें 14 या 13 आते रहे, अगर हम एंशिएंट और मेडिवल की तरफ भागेंगे तो वो चीजें मुझे नहीं आ पाएंगी, फिर हम ना मेडिवल में अपना मॉडर्न में कमांड रख सकते हैं, ना एंशिएंट में ना मेडिवल में, पता चला हम एंशिएंट भी पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन ऐसा पूछा जो हम एक भी नहीं कर पाए, मेडिवल से 3 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो एक भी नहीं कर पाए, और इधर मॉडर्न पे भी पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे फुल्ली, तो उससे हम 15-10 क्वेश्चन कर पाए, मॉडर्न के क्वेश्चन आसान भी होते हैं और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो भी उनके स्वतंत्रता सेनानी है कैसे स्वतंत्रता मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कब से आई, तो इस चीजों के विषय में पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्टिंग मतलब उसको कहानी के रूप में पढ़िए हिस्ट्री, कभी हिस्ट्री में लोग होता है सन पूछता है फलाने सन में क्या हुआ, तो आप इस तरह सन रटेंगे तो कभी नहीं याद होगा आपको, आप उसको एक सिस्टमेटिक कहानी टाइप में रटिए याद करिए, तो आप दिमाग में बैठाए रहेंगे, मान लीजिए हमें सन भूल गया तो हम उससे क्या जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 4 विकल्प रहते हैं, तो हम उस कहानी से उसको जोड़ के आसानी करके उस सन को हम कर सकते हैं। दूसरी चीज अब आप जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आप मैप पढ़िए, कोई भी चीज आप उठाइए मैप में देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, मेनली पोर्शन होता है भारत भूगोल में, विश्व भूगोल में आपका जो है जनांकिकी वगैरह आती है, महाद्वीप में क्या क्या स्थितियां हैं उसके बारे में, कौन सा पहाड़, कौन सी नदी घाटी, कौन से, तो उसको आप मैप से देखते रहिए, उस पर आप दिमाग में मैप पूरा आपका दिमाग में इंडिया का मैप और विश्व का मैप होना चाहिए, इस तरह आप रटेंगे कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है तो आपको फिर तो मुश्किल है, आप एग्जाम में पता लगा ऐसी कंफ्यूजिंग वो बनाते हैं कि, और दूसरी चीज फैक्चुअल भी चीजें होती हैं और लॉजिकल चीजें भी होती हैं जो भी आप पेपर देते हैं, दोनों चीज। तो अब आप ज्योग्राफी में वही चीज आपको UPSC में भी है, PCS में भी है, स्टेट PCS में भी है, और वही चीज UPSC में भी है कि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप उसको कोऑर्डिनेट करिए हरदम, हर चीजें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मैप से कोई चीज है कहाँ पे पर्वत है, आपकी नजर तुरंत उस पर्वत पे दिखना चाहिए आपको, मतलब ये लगे कि हम वो पर्वत देख रहे हैं, उस पर्वत पे कौन सी ज्वालामुखी है, उसके बगल में कौन सा है, कौन सी नदियां हैं, ये बॉर्डर लाइन पे कौन सा है, विषुवत रेखा और जो भी रेखा है उन पे कौन सा देश पड़ रहा है, कौन से देशों को काट रहे हैं, मतलब हमारे पास पूरी नजर में मैप एक फुल एंड फाइनल हमारे दिमाग में, अगर मैप आपके दिमाग में इंडिया और वर्ल्ड का है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन आपके मैप से ही सिर्फ आ जाएंगे, और बाकी 3-4 क्वेश्चन आप जो है प्राकृतिक भूगोल और बाकी चीजें देख के उससे कर लीजिए, जनांकिकी के क्वेश्चन भी हमें याद होना चाहिए, 2001 और 2011 जो भी हुआ है दोनों पे हमें टैली होनी चाहिए कि किस, जैसे आपको देखते होंगे ज्योग्राफी में जनांकिकी से 5-6 क्वेश्चन आते ही हैं, तो आते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि इसमें से कुछ भी आए तो हम उसे कर डालें। इसी तरह फिर हम तीसरा पार्ट आता है साइंस पे, तो इसमें अभी साइंस में फैक्चुअल भी साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो उसमें साइंस में हम आप
एनसीईआरटी पढ़ डाले, एक दो और मार्केट में जो लोकप्रिय बुकें हैं वो पढ़ लें, तो इससे क्या होता है कि आपकी साइंस में भी अच्छे कमांड हो जाएंगे। उसमें ज़्यादातर आपको फिजिक्स थोड़ी टफ होती है बच्चों को जो साइंस नॉन साइंस बैकग्राउंड की है, तो फिजिक्स के थोड़ा सा अगर जो हमें एक चीज़ में हमेशा ही आप कोई भी स्टूडेंट जो चीज़ हमें टफ लग रही है हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आसान है उस पर फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा इसमें क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जैसे जियोलॉजी बायोलॉजी हुआ, जियोलॉजी बॉटनी हुआ, तो ये आसान टॉपिक है, इसको हम आराम से जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी बहुत आराम से इस पर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ बहुत टफ होते हैं, तो अब चूंकि वो तो कॉमन पेपर बनाया गया हर बैकग्राउंड का बच्चा देगा, तो जिस बैकग्राउंड के हैं आप, जैसे हम साइंस बैकग्राउंड के तो हिस्ट्री हमें उतनी 100% तो नहीं आएगी, लेकिन जो हिस्ट्री बैकग्राउंड का बच्चा उसको हिस्ट्री के पूरे 100% सबका सब कुछ मजबूत नहीं, हाँ सबका सब चीज मजबूत नहीं, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन कॉमन है वो पूरी तरह हमें आ जाने चाहिए, उस पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका आ गया पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें आप बहुत ही आसान, सबसे आसान पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप जो है अगर आप संविधान का बेयर एक्ट खरीदें थोड़ा सा टफ लगेगा, उसकी आप केवल कंटेंट जो ऊपर की से सूची है वो देख ले, तो उस पर आर्टिकल लिखा रहेगा कि आर्टिकल आर्टिकल में क्या है उससे रिलेटेड, चार पांच पन्ने का वो खरीदने की जरूरत नहीं, आप नेट पे भी मिल जाएगा आपको कि इस आर्टिकल में ये चीज़ लिखा हुआ है, इस अनुसूची में ये चीज़ है। उसके बाद आप एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए या लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 में से 9-8 करने की स्थिति में होंगे, कभी कभी 10 क्वेश्चन पूरे पूरे आ जाते हैं, बहुत ही सबसे आसान मुझे जो लगा कॉन्स्टिट्यूशन, और पढ़ना मुझे 10-15 दिन उसको पलटते रहे उसमें क्या सूची है, कौन सी सूची है, अनुसूची क्या है, किस आर्टिकल में क्या लिखा हो, मुझे मतलब एक खाका जैसे मैंने अभी क्या कहा अम्मी आपका विश्व मैप या भूगोल के मैप में, उसी तरह मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा खाका पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है, बच्चे क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीज़ों पर घूमने लगते हैं, उससे नहीं हमें किस आर्टिकल में क्या लिखा है और वो सीरियल वाइज आर्टिकल लिखे हुए हैं उसको पढ़ना भी आसान है, आपको दिमाग में बैठाना भी आसान है, उसको बैठा लें। और उसके बाद करंट के लिए वो एक पेपर पढ़ते रहे, और पेपर में मैं ये कहूँगा कि वो पेपर में होता है कि हम पेपर 1 घंटा पढ़ते हैं और उसमें से काम की चीज़ मात्र 10 मिनट पढ़ते हैं, तो हमें पेपर में सेलेक्टेड पढ़ना है। आप जैसे अभी दिल्ली चले गए तो वहाँ पे लड़के बता देंगे हिंदू पढ़ो, मतलब हमें हिंदू आता ही नहीं है, अफवाह लोग पहला कि हिंदी पेपर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा, ये एक अवधारणा बन गई, हम पता हिंदू पलट रहे हैं 4 घंटे हिंदू में माथा पच्ची कर रहे हैं, हमें अगर इंग्लिश आती है अच्छी तो अच्छी बात है हिंदू पढ़े, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है, हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम दैनिक जागरण अमर उजाला या हिंदुस्तान जो भी पेपर आपकी इच्छा हो उसमें मैं ये कहूँगा हिंदी वाले पेपर 2 पेपर पढ़िए आप, संपादकीय पढ़िए, लेकिन संपादकीय रटने की जरूरत नहीं है, संपादकीय पढ़ने से 2-3 फायदे हैं, एक जिस चीज पे वो संपादकीय उन्होंने लिखा है उस विषय से रिलेटेड आपको एक कमांड हो जाएगा, क्योंकि जो भी राइटर लिखता है, मैं खुद लिखता हूँ, तो वो जो राइटर लिखा है कोई भी टॉपिक पे, अगर मैं जैसे मैं लिखता हूँ किसी टॉपिक पे उसमें हम पूरा नेट से जो भी मटेरियल मैक्सिमम मटेरियल हम कवर करके देना चाहते हैं, क्योंकि संपादकीय छपना इतना आसान नहीं होती है, संपादकीय पे हमें पूरी कसी हुई लैंग्वेज है, आपका वो कैप बढ़ेगा, आपकी लैंग्वेज बढ़ेगी, आप उसका फायदा एसए में उठाएंगे, जीएस के मेंस पेपर में उठाएंगे, यहाँ तक कि मेंस के सब्जेक्ट के पेपर में भी वहां से जो भाषाएं आपकी जो बन गई है कसी हुई भाषा, कोई भी संपादक जो लिखता है संपादकीय उसकी भाषा लैंग्वेज पे पकड़ होती है, इस तरह कोई संपादकीय नहीं लिख सकता, तो आपकी लैंग्वेज भी आपको लगेगा इससे कोरिलेट करेगा, तो आपका जो मेंस का पेपर लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑप्शनल तो उसमें भी आपको वो लैंग्वेज आपके दिमाग में आती रहेगी। इसलिए प्रयास ये करें कि 2 पेपर भले ना खरीदे, नेट पे सारे पेपर अवेलेबल है, आप संपादकीय पढ़े और पेपर में केवल आप मेन चीज संपादकीय पढ़े और जो विश्व वाला पन्ना है वो पढ़े, फ्रंट वाले पन्ने पढ़े, हेडलाइन पढ़ लें, अंतर्राष्ट्रीय वाले गेम वाले पन्ने जो मेन मेन है, कुछ लोगों के इंटरेस्ट है क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट के ही बढ़िया विद्वान हो गए, क्रिकेट से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, कभी कभी तो वो भी नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ओलंपिक्स के आएंगे या फिर विंबलडन वगैरह टेनिस वगैरह, ऐसे एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जिस पे नजर आदमी की ना पड़े, सफाई लोग ले लेते हैं, तो आप ये प्रयास करिए कि साइंस टेक से जो भी मैटर आपको मिल रहा है तो मतलब पेपर पढ़ने का भी एक सेलेक्टिव पेपर होना चाहिए, ये आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पन्ना पलटना है, हर पन्ने पता है, अपने विज्ञापन भी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ के टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम कम है, कम टाइम में टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, कभी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो टाइम को आप मैनेज करिए कि उसमें पेपर पे आपको ध्यान देना है तो कैसे ध्यान देना है, कौन से पेपर सेलेक्ट करें, आप बच्चों से पूछ लें कौन से पेपर में अच्छी चीजें मार्केट में आ रही है, तो उसमें आप
चयन करके हर पेपर वाला प्रयास यही करता है कि अच्छी से अच्छी चीजें दे, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि हमारा सेल्स का वगैरह। तो आप ये भी नहीं सोचे हिंदी इंग्लिश मीडियम पेपर पढ़ना ही जरूरी है, अगर हिंदी बैकग्राउंड के तो आप हिंदी मीडियम पेपर पढ़िए, और आपकी कमांड होनी चाहिए जो भी चीज़ है हम लिखेंगे तो कमांड होनी चाहिए, हमारे पेन चलेगी तो चलेगी, इस तरह की कमांड होनी चाहिए। फिर आप मार्केट में आप कोई मैगजीन ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल जो भी आ रही है, एक मैगजीन लीजिए, आप बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, पता उसी को ले गया, और फिर जब एग्जाम टाइम में आपको आता होगा आ गया वर्ष की आ गई मतलब उसमें पूरे साल भर के, तो उसको एक बार पलट लीजिए, उससे क्या जो आप पेपर पढ़ें वो चीज़ें आपको रिवीजन होने लगेगी, तो वहाँ पे आप गलतियाँ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जब प्री का एग्जाम बच्चे देने जाते हैं तो वहाँ पे हर स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो 4-5 क्वेश्चन जो आता हुआ गलत करता है, तो आप ये हमेशा प्रयास करिए कि जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं या जो सरल क्वेश्चन वो गलत नहीं होते, कम से कम वो गलत ना। वो करता क्यों गलती है कि हम कई बार क्या कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बिल्कुल पता चार विकल्प दिए हैं चारों विकल्प पढ़े नहीं है, और हर स्टूडेंट में ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि एक आध क्वेश्चन में ऐसी छोटी गलती, पता पहले में ए हमें लगा सही है, ए पढ़ के छोड़ दिया, पता लगा उसका आंसर डी है, डी तक हम पहुंचे ही नहीं, या वहां पे बगल में नहीं लिखा है, हम नहीं पढ़े नहीं, वो पूरी लाइन पढ़े नहीं और हमने वो गलत कर दिया क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन आसान है, फिर बाद में वो क्वेश्चन ही हमको सिलेक्शन में घातक करते हैं। तो हमेशा ये प्रयास करें कि हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, और जैसा कि ऑब्जेक्टिव में देखते होंगे प्री में लोग पहले क्वेश्चन सब कर डालते हैं, 150 क्वेश्चन पूरा कर लिए, फिर बाद में रखना शुरू करते हैं उसको, तो टाइम उतना ही लगना है। तो मेरे क्या मैंने जो देखा कि उसमें कई बार होती क्या कि मैंने बाई चांस एक क्वेश्चन गलती भर दिया, अब उस दूसरे सीरियल से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक पढ़े एक रंग लिए, एक पढ़े एक रंग लिए, मेरा जो अपना भाई हर आदमी का अपना अपना व्यू है कैसे कर रहा है उसको कैसे में कंफर्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन देखें एक क्वेश्चन, यदि आप रंग मान लीजिए पूरा क्वेश्चन करके भी कर रहे हैं तो हमेशा आप याद ध्यान दीजिए 125 नंबर पे है तो 125 नंबर पे ही रहेंगे, क्वेश्चन भी देखें उसका क्या सही किया, कई बार ऐसा हो जाता है हाँ। वो बहुत घातक साबित 10-5 क्वेश्चन हमारे गड़बड़ कर देते, बाद में हमें पता चला अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो उसमें 101 नंबर है, 101 नंबर का डी सही, तो 101 नंबर के डी को ही सुनेंगे कलर करें, क्योंकि वहां पे आपको एग्जामिनर ये नहीं जानता कि आपको आता कितना है, वो कॉपी पे जो दिख रहा है वही उसको मानेगा। इसी तरह सी सेट में है, उसमें आपको अब तो पहले वो था 33% पासिंग मार्क है, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची डरने की जरूरत नहीं है, अपना मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप में उसको तैयार कर ले हिंदी से रिलेटेड, और उसमें देखिए जो पैराग्राफ दिया रहता है उसको पढ़ के जो करना है, मैंने अभी क्या बताया पेपर पढ़ें, पेपर जब पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज पकड़ बनेगी, जो पैराग्राफ होता है उस आंसर पैराग्राफ में ही होता है, बिल्कुल जो क्वेश्चन सेट में दे रहे हैं पैराग्राफ में, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो लेखक है उसका लेवल बहुत ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, तो हम जब ये संपादकीय पढ़ेंगे तो हमारा भी लेवल धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा, क्योंकि जो लेखक ने लिखा है वो कसी भी भाषा लिखी हुई, अब हम समझ नहीं पाते हैं उसमें गलतियां करते हैं, जबकि बहुत आसान होता है परीक्षा से जो भी निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना वो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि टफ है, तो उसको बस हम उस लेवल पे पढ़ें और पूरा कंसंट्रेशन मेरा उस पर होना चाहिए, सी सेट का पेपर पूरी तरह कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, आप कोई भी जो भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है उसको आप दे देंगे तो वो 33% बिना किसी तैयारी के निकाल देगा, सिर्फ परिक्षेद से निकाल देगा, जैसे मुझे समय 2 साल से तैयारी नहीं कर रहा मुझे अभी दे दिया जाए मैं उसको सॉल्व कर जाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं कि आपने कितना बढ़िया से उस पर फोकस किया है, तो 2 घंटे में हम पूरी तरह कंसंट्रेट रहे, हमें पूरी दुनिया से वास्ता नहीं, पूरा दिमाग मेरा एक एक वर्ड्स पे एक एक कामा एक एक बिंदी पे होना चाहिए, वहाँ पे एक एक चीज की वैल्यू है। इसी तरह आपका जीएस में भी बहुत सारी चीजें एकदम कंसंट्रेट होकर लिखना है, मतलब करना है कि क्या करके करना है, इस तरह हम प्री का निकाल सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी भाई कठिन तो है ऐसा भी नहीं कह सकते कठिन नहीं, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर रहे हैं लोग, हजारों लोग लाखों लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। मेंस के लिए आप क्या सलाह देंगे? अब तो स्टेट पीसेस में भी मेंस के अब जो आ रहा है पैटर्न चेंज होके आ रहा है, यूपीएससी का पैटर्न यूपी पीसेस भी लेने जा रहा है, और भी स्टेट जो पीसीएस हैं वो भी लेंगे, मेंस में आपके जीएस में भी 4 पेपर इन लोगों ने कर दिया है, उसमें एथिक्स का ला दिया है, हिस्ट्री का अलग बांट दिए, पहले जो होता था कि जो है 2 पेपर होते थे, इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, तो देखिए अब क्या है कि आपको कितने आप छोटी छोटी चीजों के प्रति कितनी आपकी नजरें तेज हैं, आप किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं, तो वो चीजें ध्यान देने की है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं हमें हर छोटी छोटी चीज पे, आपने मुझे बताया या मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनो,
लेकिन हो सकता है कुछ चीजें मैं आपको गलत बता रहा हूँ या आपके समझ में नहीं, आप अपना दिमाग यूज करिए कि इन्होंने क्या बताया। बिल्कुल, तो उस स्तर से आप अपने आप ऑटोमेटिक जीएस के जो चार पेपर है उसको तैयार करिए। ऑप्शनल आपका पास एक हो गया, इस बढ़िया हुआ, एक ऑप्शनल आपको तैयार करना होगा। एक ऑप्शनल में जो आपकी पूरी फुल एंड फाइनल आपको उसमें कमांड होना चाहिए उस ऑप्शनल की, ये मेरे पास मतलब उसके लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एससी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में नंबर पाना बहुत आसान है, एस में भी नंबर पाना आसान है, आपको बस गेस करके तैयार कर लेने हैं, 10-15 क्वेश्चन उसमें हो जाए। एस में मैं बताऊंगा कि 10 टॉपिक पे वो सिलेक्शन कर ले, वो 10 टॉपिक में 5 टॉपिक वो कमांड कर ले। जैसे सोशल इशूज के मुद्दे हैं, महिलाओं से मुद्दे हैं, शिक्षा से मुद्दे हैं, बहुत सारे लड़के करते क्या ऐसे रट के जाते हैं, तो मैं कभी नहीं कहूँगा ऐसे रट के जाइए। इससे आपका पूरी फुल एंड फाइनल ओपन है एरिया, आपको पेपर दे दिया गया, 4 टॉपिक दे दिया गया, यूपीएससी स्टेट पीसीएस में 3 ऐसे करने हैं और यूपीएससी में 2 ऐसे करने होते हैं। तो अब आप खुले हैं। अब आपने क्या बताया, संपादकीय मैंने भी बताया था, संपादकीय पढ़िए, तो संपादकीय का फायदा आपको ऐसे में मिलेगा, तो उसमें क्या सोशल इश्यूज के मुद्दे आप उठाते रहिए। और सबसे बढ़िया चीज, जो भी आप योजना और कुरुक्षेत्र 2 मैगजीन भारत सरकार की आती है इसको जरूर लें, मैं यही सलाह दूंगा, ऐसा मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उसको लें। उसमें जो भी राइटर है, इंडिया लेवल का राइटर लिखता है और 10 लोग लिख के भेजते हैं तो 5 लोगों का छपता है, मैं खुद लिखता हूँ उसमें, तो आप उसमें जब भी उस जो भी राइटर लिख रहा है उस विषय की कमांड होगी, तो आपको क्या है कि उस विषय को आपने पढ़ लिया तो आपको फिर भागने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो नेट पे कि नेट पे हमें मैटर मिल जाएगा, मिल जाता है, लेकिन आप नेट के चक्कर में आप अगर मोबाइल पढ़े पहले आपने काम की चीज 5 मिनट किए, बाकी 25 मिनट आपने मेरा काम की चीज किया। तो इसलिए अभी भी आप, मैं यही सलाह दूंगा कि आप बुक्स पे ज्यादा फोकस करें कि जैसे योजना लिए, कुरुक्षेत्र लिए, हर योजना कुरुक्षेत्र जो है उसमें सबसे बड़ी बात है विशेषांक निकलता है। तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक है आपका, उससे एसे का कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक उन्होंने दिया, उसमें 10 आर्टिकल आपने 10 लेखकों की आपने पढ़ लिया, अंडरलाइन करके रख दिया, छोड़ दिया, फिर बाद में आपको वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएंगी दिमाग में, जब आप पेन चलेगी ऑटोमेटिक रिकॉल हो गए। कुछ फैक्ट चीजें डालने अगर प्रयास करें, कुछ लोग कविता से स्टार्ट करते हैं ऐसे, कुछ लोग कहानी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे ऐसा होना चाहिए कि जब भी एग्जामिनर पढ़े तो हमारा मन लगे पढ़ने में। जैसे आप देखते होंगे कोई संपादकीय हम पढ़ते हैं तो हमारा मन लगता है, ये नहीं कि भला उसको इतना फैक्चुअल हम बना दे रहे कि हमारा मन ही नहीं लग रहा है। जनसंख्या के बारे में कोई ऐसे लिख रहे हैं पूरी जनसंख्या की डिटेल उसमें हम डाल दिए, बहुत ज्यादा आंकड़ों के चक्कर में, आंकड़े के बहुत ज्यादा चक्कर में, एक फ्लो में रहे, रोचक रहे, कि रोचकता बनी रहे उसमें हमें पढ़ने के लिए। और हिंदी में आपके कई सारे वीडियोस हिंदी के हैं ही, और हिंदी में कुछ चीज़ें याद करने की जरूरत है, कुछ चीज़ें पैराग्राफ में उल्लिखित रहती है उसको करने की। यूपीएससी में हालांकि हिंदी और इंग्लिश के पेपर के क्वालिफाइंग है, लेकिन अपने स्टेट पीसीएस में हिंदी के पेपर मार्क्स देते हैं, इसलिए हिंदी की भी अच्छी तैयारी करें वो लोग, ये नहीं कि मतलब हिंदी हम उसको हल्के में ले रहे हैं। और बाकी इंटरव्यू के लिए कभी एक चीज हमेशा मैं यही सलाह दूंगा, आप पूरी ईमानदारी से जाओ, उनसे जो भी पूछा जा रहा है ईमानदारी से बताओ, और अपना ईगो आप दूर रख लीजिए। इंटरव्यू बोर्ड आपसे इंटेलेक्चुअल है, आप उसको कभी बेवकूफ नहीं बनाते। हमारे आप जैसे रोज वो दिन भर में 20 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कहानियां पढ़ रहे हैं हमारी आपकी, तो आप ये सोचिए कि हम उन्हें गुमराह कर दें या उन्हें बेवकूफ बना दें या इस तरह करें तो कभी नहीं कर पाएंगे। आप कर रहे हैं, भले आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन वो समझ रहे हैं कि आप कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो आप इंटरव्यू में जो भी आपकी प्री मेंस की तैयारी है उतना पर्याप्त है, आप अपना एक भी जो भी सामान्य व्यू में जाए और उनके सामने विनम्र बन के, क्योंकि हमें उनसे अपनी विद्वता नहीं दिखानी है। बच्चे करते क्या है, मैं सर इसमें मास्टर हूँ, उनसे तर्क उतर्क करना शुरू किए तो उससे वो इरिटेट होंगे, आपका नुकसान ही कर सकते हैं, फायदा नहीं करेंगे। इसलिए आप प्रयास ये करिए, कोई भी इंटरव्यू बोर्ड है वो कह रहा है, आप स्वेच्छा से स्वीकार करिए, हाँ सर आपकी बात सही हो सकती है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इस तरह की बातें करके उनसे निकलने का प्रयास करें, उलझे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने यूँ तो कुछ भी नहीं छोड़ा बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि ओवरऑल आप जो है सिविल सर्वेंट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो आप निराश ना हो, प्रयास हमेशा करते रहें, लगे रहें, आप लगे रहेंगे, देर है अंधेर नहीं है, मेरा यही एक वो है, आपको सिलेक्शन मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप निराश होकर छोड़ दिए तैयारी तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो फिर आपकी जो पूरी मेहनत पिछले 5 साल 10 साल में आपने किया है वो बेकार जाएगी। और ये छोटा सा साधारण भी लड़का अगर तैयारी करेगा उसे सफलता मिलेगी। IAS में नहीं मिली, UPSC में नहीं मिली, PCS में मिलेगी, PCS में नहीं मिली, लोअर PCS में मिलेगी, सफलता की गारंटी मैं देता हूँ अगर वो लगा है ईमानदारी से, हार नहीं माना, एक कहावत है हार नहीं मानूंगा रात मानूंगा, इस तरह की, तो आप लगे रहिए बस, सफलता तो आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आपको सफलता मिले।
और जितना ही आप ऊंचा उड़ान करेंगे उतने ही आप ऊंचे उड़ेंगे। अगर हम ये सोचें कि छोटे छोटे प्रयास करें, तो हम ये भी नहीं कहूंगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो छोटा एग्जाम ना दें, देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मतलब कि हम भाग रहे हैं, डाइवर्जन हो रहा है। मेरा एक लक्ष्य हो गया यूपीएससी का, यूपीएससी के दे रहे हैं, साइड में कोई एग्जाम आ गया तो मैं उसको भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें टाइम मिलता है तो दे दें, लेकिन लेकिन लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए। मतलब मिलता जुलता एग्जाम, मतलब कि आज टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कल को पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, कल को आईएएस तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी, तो फिर इसमें तो आपको कुछ नहीं होना है 100%, ये भी जानी तब तो फिर नहीं होना है जहां पे आपके अंदर भटका हुआ है। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई एग्जाम आ जाता है, आपने समीक्षा अधिकारी दे दिया या अदर स्टेट की, मैं अदर स्टेट की भी प्रेफरेंस नहीं करूंगा, जो बच्चा जिस स्टेट का है उसी स्टेट में प्रयास करें और उसको उसी स्टेट में सफलता मिल जाएगी। अदर स्टेट में सफलता की संभावनाएं बहुत कम होती है क्योंकि वहां का स्पेशल पढ़ना होगा, फिर हम अपने स्टेट में भागेंगे, फिर यूपीएससी की तरफ भागेंगे, तो फिर उसमें हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी और सफलता की संभावनाएं कम ही होती जाएंगी। अदर स्टेट में भी बहुत सारे लड़के सफल होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि हम उसको लालच में कि वहाँ आसान है तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी कंपटीशन करने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे अकाल पड़ा हुआ है, हर जगह बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप अपने स्टेट पर फोकस करें और यूपी में लोक सेवा आयोग जो है वो अच्छी तैयारी में अच्छे रिजल्ट भी अच्छा दिया है, टाइमली रिजल्ट भी दिया है। एक समय था हम शुरू में कि लोग डाइवर्जन होता था क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, इधर तो एग्जाम भी रेगुलर हो रहे हैं, तो अपने स्टेट में भी आपको सिलेक्शन की अपार संभावना है। देवाशीष जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी यूपी पीसीएस की, तो उस समय एक लक्ष्य था कि मुझे पीसीएस बनना है, तो उसके साथ साथ मैंने आरपीएससी का भी भर दिया, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी तैयारी की, फिर उत्तराखंड की भी की, यद्यपि सफलता मिली, लेकिन मुझे आज लगता है कि यदि मैंने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं किया होता, यदि मैं राजस्थान या उत्तराखंड इन चीज़ों पर फोकस ना करता और पूरी एनर्जी यहाँ लगा देता, तो शायद थोड़ा पहले जल्दी सिलेक्शन मिल जाता और अच्छी रैंक के साथ। चक्कर क्या होता कि आप तो आप पहले ना बिल्कुल ठीक कहा कि आप पहले तय कर लें कि भाई मुझे करना क्या, क्योंकि डेफिनेटली एक अदर स्टेट की जो कल्चर है वो आपके अपने स्टेट से हमेशा अलग होती है, है ना, तो पहले वहाँ की उसकी कल्चर को समझना, उसकी ज्योग्राफिकल उसको चीज़ों को समझना थोड़ा टाइम लगता ही है। चूंकि देखिए एग्जाम बहुत टफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि नहीं सिलेक्शन हो, ये भी क्लियर, उसमें कंडीशन लगी बिल्कुल ठीक है। तो पता चला हम अपना भाई हमारे भी एक क्षमता है, हमारे पास भी टाइम है, मैनेजमेंट करना है, मतलब कि हम उत्तराखंड भी दे रहे हैं, राजस्थान भी दे रहे हैं, बिहार भी भाग रहे हैं, यूपी भी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, एमपी भी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी दे रहे हैं, सारे हिंदी मीडियम में, और बच्चे यही करते हैं तो बहुत सारे लोग मेरे से बातचीत में किए हैं, मैं भी राजस्थान का दिया हूँ, एमपी का भी दिया हूँ, मेंस दिया हूँ, लेकिन होता क्या था कि मतलब उसका जो स्पेशल पेपर है सब्जेक्ट वो हम फेल करते थे, तो सिलेक्शन की संभावनाएं कम है। सिलेक्शन जिनका हो भी गया मेरे परिचित में वो भी नाखुश हैं, पता चला उससे कम, उससे अगर वो जो जैसे राजस्थान में कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हैं, एमपी में सेलेक्ट हो गए, वो नाखुश हैं कि घर से दूर पड़े गए, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, वो अगर यूपी में ही कंसंट्रेट होते तो यूपी में सिलेक्शन मिल जाता उनको। अक्सर करके क्या होता है कि अपने स्टेट में छोटी भी पोस्ट मिल जाती है तो तुरंत छोड़ के भी चले, हाँ उससे अच्छी पोस्ट छोड़ के यहाँ पे चले आते हैं, तो ये फिर इसलिए ऐसा करना मेरे समझ से उचित नहीं है, जो कर रहे हैं अपने सबके सभी सोच है, कौन कैसा सोचता है, कौन क्या करता है, वैसे तो हर आदमी अपने बेटरमेंट के लिए प्रयास करता है, तो ये प्रयास यही करिए कि आप जहाँ भी कंसंट्रेशन करिए, एक परीक्षा पे लिए अपने स्टेट पे अगर हैं तो जिस स्टेट के हैं उस स्टेट पे ही कंसंट्रेट करिए, भागने की कोई जरूरत नहीं, हर जगह उतनी ही फाइटिंग है, एमपी में भी उतनी फाइटिंग है, यूपी में भी उतनी फाइटिंग है, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत आसान है, वहाँ पे तुरंत आपको बुला लिया जाए, रख लिया जाए, वहाँ पे कोई खाली बैठा है आयोग की कर ले, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं है, तो आप प्रयास अपने स्टेट में भी अच्छा कर सकते हैं, एमपी में एमपी के रहने वाले एमपी में भी अच्छी आप सही बात है, तो इसलिए भागने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप कंसंट्रेट होइए टाइम, क्योंकि हमारे पास जो दो शुरू में क्या होता है कि हमारे पास जोश होता है, उस जोश में हम अगर सिलेक्शन पा गए उस दौरान तब तो ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जोश कम होता है, उस दौरान अगर हम डाइवर्जन हमारा नहीं हुआ फिर हमारी सारी क्षमताएं भी कम जो रोने लगती हैं, मतलब 30 साल उम्र हो गई फिर उस स्तर की तैयारी नहीं हो पाती जैसे 25 साल में, फ्रस्ट्रेशन भी बनता है और भी सारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी आने लगती हैं, समाज के लोग भी आपसे बहुत सारी चीजें कहने लगते हैं, तो इसलिए आप जो भी टाइम हो उसका टाइम मैनेजमेंट सॉलिड करिए और उस टाइम मैनेजमेंट में हर टाइम का यूज करिए, डाइवर्जन ना करिए, बहुत सारी आपको चीजें अच्छी दिखेंगी उसकी तरफ ना भटकिए, अभी जैसे दिल्ली में लड़के गए तैयारी करने वाला कुछ और ही करने लगे, ठीक है घूमने लगे बत्रा पे घूमने लगे, गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे, तो अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन आपको अपना क्या लक्ष्य है, किस उद्देश्य से आप दिल्ली गए हैं, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है ना, अगर उसके तैयारी शुरू करता है तो बच्चे का जोश अलग होता है, उसका संकल्प होता है, धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे, चूंकि वहाँ पे सामाजिक परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम भटकने लगते हैं, मतलब कि जिस लक्ष्य से हम दिल्ली गए उस लक्ष्य के बजाय दूसरा कोई लक्ष्य ले लिए, उसी के लक्ष्य के परेशान है कि इसको सेटिस्फाइड कर दें। आप अगर यहाँ सिलेक्शन पा गए तो आपको उससे अच्छी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कोई चीज एंड है, वहीं पे एंड कुछ नहीं है, उससे आगे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बहुत सारे लड़के गए वहाँ पे गर्लफ्रेंड बना लिए घूम रहे हैं, फिर उसी के चक्कर में परेशान है, वो भी नहीं सेटिस्फाइड हुई और डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेट हुए घर चले आए, बिल्कुल ठीक। तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल ना करिए, आप ये हमेशा सोचिए कि आप किस लिए गए दिल्ली या इलाहाबाद या जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, किस लक्ष्य से गए हैं, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, उसमें अगर सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर बाइक में आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे जब वापस लौट के घर जाऊँ तब फिर मैं क्या करूँगा, कुछ लायक नहीं रहूँगा। वो चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप प्रयास करते रहेंगे सही डायरेक्शन में। आप सीनियर्स के इंटरव्यू पढ़ते रहिए, सीनियर आपको हो सकता है गलत डायरेक्शन में, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये कार्यक्रम लाए भी इसीलिए हैं क्योंकि अभी तक तो हम जो है जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम रूबरू जी जो है अभ्यर्थी, तो आप ये प्रयास करिए कि आपको सीनियर तो तक गलत भी डायरेक्शन दे रहे हो, बहुत सारे सीनियर पढ़ते कुछ है बताते कुछ है, ठीक है, वो ऐसी ऐसी किताबें बता देंगे, बीएल ग्रोवर बता देंगे, हिस्ट्री का ऐसी ऐसी किताबें बताएंगे कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, डीडी बसु बताएंगे, जबकि वो चीजें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत, तो यदि आप पढ़ सकते हैं आपकी क्षमताएं हैं बिल्कुल पढ़िए, ऐसा भी मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर वो चीजें आपके अंदर क्षमताएं हैं उसको बिल्कुल पढ़िए, वो आपके फायदे की चीजें हैं, लेकिन किसी भी चीज में आपको मास्टरी हासिल करने की जरूरत नहीं, यूपीएससी कंपटीशन आपको निकालना, तो सामान्य एवरेज स्टूडेंट आप बनके निकाल सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि हिस्ट्री मास्टरी है आपको हिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनना है या पॉलिटी का प्रोफेसर नहीं बनना, आप मास्टरी तैयार के निकल जाइए अपना जैसे भी है। अभी कुछ दिनों पहले देवाशीष जी एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, तो मुझसे कह रहा था सर मैंने मेडिवेल इंडिया की सर ये चार पांच किताबें लेनी ले ली हैं सर, और कौन सी ले लूं, चार पांच की बात आप एक किताबों नहीं पढ़े, एक किताब एनसीईआरटी के पढ़ ले उतने ही पर्याप्त है। मैंने उससे कहा कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है या मतलब प्रोफेसर बनना है मेडिवेल इंडिया का, वो तो बच्चे जो है किताबें इकट्ठी करने के चक्कर में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ना तो वो चारों पांचों किताबें पढ़ पाते हैं और फिर वो बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो करते क्या, चार पांच किताब खरीद के लाए, एक पन्ना पढ़े फिर रख दिए, मैंने अभी क्या कहा एक किताब को आप 50 बार पढ़िए, 50 किताब को एक बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चक्कर क्या ना जो भ्रम फैलाए रहते हैं ना, किसी ने कहा करे यार ये नहीं इसमें से आता पेपर ये ज्यादा अच्छी है, सारी किताबें अच्छी हैं, आप किसी एक किताब को पकड़ लीजिए, सबसे बड़ी चीज आप जो भी पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उनको अध्ययन करिए, सिलेबस आपके सामने हो कि क्या पूछा जाएगा और पुराने पेपर्स जो हैं वो हम कैसे तैयार कर लें, बिल्कुल पुराने पेपर्स को हम अगर तैयार कर लें तो भी 50% तैयारी हो जाए ओल्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम पुराने पेपर तैयार कर लें, और चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो पुराने पेपर्स को हमको पूरा पूरा तैयार होना चाहिए, और ये कि उसमें बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है सब में, करीब जो भी राइटर लिखता है इस लेवल पे लिखता है कि वो भाई 19-20 25 का अंदर है, अब से हमें पब्लिक एड तो रोमिला थापर पढ़िए, रोमिला थापर आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी कुछ, या तो आप उसमें स्टडी किए रहे वो स्टडी बुक है, उसमें रिसर्च बुक है, रिसर्च बुक के चक्कर में न पढ़े, नॉर्मल बुक पढ़े जो कि हमें समझ में आ जाए, ठीक है, तो और ऐसे ही लोगों से गाइडेंस भी ले जो बहुत ही मीडियम बात करें, यानी गुड़ने की बात, हमें उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हम मीडियम मीडियम पढ़ के निकल सकते हैं, हमें 150 क्वेश्चन है 150 करने की जरूरत नहीं, हमें बस 115-120 का टारगेट बनाना है, 120 का टारगेट बनाना है, निकाल भी पाते हैं, कितनी भी किताबें पढ़ ली, हाँ, तो हमें एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, हाँ, है ना, ठीक है, तो हमें हमेशा ये प्रयास करना है नॉर्मल रूप में रूटीन में, यूपीएससी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी विषय में डीप में पूरा स्टडी, और ये संभव भी नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट में रिसर्च कर लें, हिस्ट्री में रिसर्च कर लें और रिसर्च स्कॉलर कभी भी आप ये ना सोचिए कोई रिसर्च स्कॉलर हो उसने कर डाला उसमें वो बहुत अच्छा लिख देगा, नहीं बिल्कुल नहीं लिखेगा, आप सामान्य वे में आप जैसे ऐसे लिख रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं उसके सारे पोर्शन पे आप थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका क्या सोशल पॉलिटिकल महत्व क्या है या साइंटिफिक महत्व, आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं चाहे मेंस का हो चाहे ऐसे हो चाहे हिंदी हो, आप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उसमें विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत नहीं है, उस प्रश्न के से संबंधित सारी सारे बिंदु, सामाजिक बिंदु, आर्थिक बिंदु, राजनीतिक बिंदु और अंतर्राष्ट्रीय बिंदु या सोशल कोई बिंदु चल रहे या वैज्ञानिक बिंदु, उसमें इतने सारे आप बिंदु खोल दीजिए उससे रिलेटेड और सब्जेक्ट जो भी आप पढ़े हैं, हम पब्लिक एड का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें अगर फिलॉसफी से भी कोरिलेट करना हो या कोई समसामयिक इश्यूज चल रहा है उस टाइम पे, हम उस सारे चीजों को हम केवल 10-10 लाइन 5-5 लाइन खोल दें हमारे क्वेश्चंस का उत्तर बन जाएगा, उसके बाद जो है हम एक लास्ट में कंक्लूजन दें और ऐसा कंक्लूजन दें कि हमें लगे कि वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या है,
कोई भी यूपीएससी, हम चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं बन रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट का मास्टर हमको बनाया जा रहा है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जाएंगे। हमें बस उस क्वेश्चन से कितने बिंदु हम खोल सकते हैं, जब भी एग्जामिनर्स पढ़ेगा आपने इन बिंदुओं को लिखा है वो देखा कि हाँ अच्छा इन्होंने आर्थिक बिंदु भी कवर किया, इन्होंने सामाजिक बिंदु भी कवर किया है, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है उससे भी कोरिलेट किया, राष्ट्रीय स्तर पे क्या इशूज से कोरिलेट किया, तो कोरिलेशन हमें जरूरी है। तो उससे क्या, जितना ज्यादा हम अपने अंदर पढ़ते रहेंगे, हम उसको रटल रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में चीजें आएंगी, और जब हम उसको खोलने बैठेंगे, कभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो पहले हमें ये देखना है कि इनको कहाँ कहाँ खोल सकते हैं, किन किन बिंदुओं पे, मतलब रटा रटाए क्वेश्चन लोग रट के जाते हैं मेंस में, वो चीजें नहीं करना चाहिए, ऐसे रट के गए वो चीजें नहीं करना, हमें बस रट बना लेना है कि हमें इन इन पॉइंट्स पे इनको खोलना है। और आप जब भी खोलने बैठेंगे तो आप कुछ भी जैसे पेपर्स पढ़े, कोई हो सकता है उससे रिलेशन ना हो, हिस्ट्री से भी हम रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन उठाए उसको हम ज्योग्राफी से रिलेट कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर रहे हैं, उसको ठीक है करंट से रिलेट कर रहे हैं, रिलेट करना है, कोरिलेट पूरी चीज, ठीक है वो चाहे मेंस हो चाहे ऑप्शनल हो चाहे कुछ भी, कोई भी इंटरव्यू में भी, जैसे आपसे मान लो पूछ लिया गया कि भाई किसानों की आत्महत्या जो बढ़ती घटना है उसके पीछे क्या कारण है, तो उसमें आर्थिक सामाजिक सब तरीके के ज्योग्राफिकल व्यू की उस एरिये का प्रॉपर वे में किसान कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, ऋण से ऋण स्थिति खराब है, तो ये चीजें हमें खोलनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रबंध है किसानों के, उनसे हम कोरिलेट करके एक सुझाव दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदर स्टेट में अदर देशों में क्यों कृषि बेनिफिट का सौदा है और अपने स्टेट में अपने देश में क्यों घाटे का सौदा है, वो प्राचीन काल से क्या हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में कि कौन कौन सी चीजें उसके साथ अन्याय हुआ है, क्यों हुआ है, तो ये चीजें हम जितना भी खोलेंगे उतना ही एग्जामिनर को होगी। मतलब कभी भी जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहे आप लिखें चाहे इंटरव्यू में बताएं, एकांगी होकर ना बताएं। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल आप सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही बोलते चले जाएं, कोशिश कीजिए कि जो आपका उत्तर हो चाहे आप कितने भी शब्दों में उसे लिखें या बताएं, लेकिन उसमें सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, प्रयास करें बैलेंस बनेगा बिल्कुल, कि हम हर पहलू को उठाएंगे किसी भी तरह, एक तरफ से ना तो हम कम्युनिस्ट हो सकते हैं ना तो हम लिबरल हो सकते हैं, ये हमेशा बैलेंस्ड बन के रखिए, पता चला हमारा एग्जामिनर किस माइंड का है, माइंड सेटअप का है, कुछ लोग एक तरफ एक दृष्टिकोण में पेपर ले आते हैं, संतुलन बनाइए, तो हो सकता है आपके एंटी एग्जामिनर बैठा हो तो आपका नुकसान पड़ेगा, अगर आप संतुलन बनाए हैं तो वो आपको एक कॉमन नंबर देगा, कभी भी जो उत्तर लिखते समय बिल्कुल एक पक्षीय नहीं होना, एक पक्षीय नहीं होना है, हमेशा संतुलन बना के रखिए, उसके क्रॉस पॉइंट्स बताइए, प्लस माइनस दोनों बताइए, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। इसी तरह इंटरव्यू बोर्ड में भी हम बैठते हैं तो पता लगा, हो सकता है पता नहीं किस माइंड सेटअप का अगला आदमी बैठा है, हमें तो पता नहीं है उसमें, हमें वो किस ढंग से देख रहा है, उसका क्या माइंड सेटअप है, उससे पहले मेरे पहले वाले लड़के ने हो सकता है उसका दिमाग डिस्टर्ब किया हो, उससे वो गुस्सा, कई सारी चीजें हैं, तो इंटरव्यू के टाइम में बहुत सारी चीजें हो सकता है, उसके पारिवारिक स्थिति है उस टाइम गड़बड़ हो या उसकी शारीरिक स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति, तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम उसको जाए तो एक लगे कि हमने कोई चीज दिया है और एक कॉमन बैलेंस वे में, ना उससे कोई जिरह करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, हम अपना अपना काम निकाल के निकलना एक तरह से, समझिए मतलब। तो देवाशीष उपाध्याय जी ने जो बातें आपको बताई निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और उनके पूरी जिंदगी के फलसफे को यदि मैं चंद लाइनों में कहूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपने जो बातें सुनी उसमें कुछ चंद इसका जो सार है वो मैं आपको बस बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि आपका लक्ष्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन आपको सफलता से दूर ले जाएगा। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर या जो भी बुक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी घटना को आप केवल एकांगी होकर मत देखिए, कोई घटना सिर्फ एक ही कारण के फलस्वरूप नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे होते हैं। तो जब भी आप किसी भी घटना को चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो या आपके आसपास की हो, वो उसके पीछे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जितने भी कारण हैं उन्हें खोजने की कोशिश कीजिए, और अपने व्यक्तित्व में अपने उत्तर में अपने जो पूरा आपका वो है तैयारी करने का जो एस्पेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा देवाशीष उपाध्याय जी का कि ओ जीवन के थके पखेरु बढ़े चलो हिम्मत मत हारो, ओ जीवन के थके पखेरु बढ़े चलो हिम्मत मत हारो,
पंखों में भविष्य बंधी है, मत अतीत की ओर निहारो, क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है, उड़ने को आकाश बहुत है। धन्यवाद देवाशीष जी, धन्यवाद, नमस्कार। मैं सभी परीक्षार्थियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूंगा कि आप एकदम लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ होके प्रयास करते रहें, देर है अंधेर नहीं है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।